वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो लेट स्टार्ट द वीडियो बच्चों कहानी आज का हम देख रहे हैं द वुडन बाउल की कहानी हम पढ़ चुके हैं और अभी उसको अच्छी तरह से देखें आज इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर कहानी को तो पढ़े लेकिन क्वेश्चन सर को हम लोग तो बनाए नहीं ना थे तो आइए आज क्वेश्चन सर को देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे बच्चों आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं कि आंसर दिच क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आइए सोचें लिखें पढ़ें समझें किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक दो तीन चार क्वेश्चन आपके साथ दिखाई दे रहा है चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी के साथ आपके साथ हम रहें और दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि क्या इसका अर्थ किस तरह होता है बच्चों समझ कर ही कॉपी में राइट डाउन करेंगे बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि द वुडन बाउल यानी लकड़ी के कटोरे की कहानी हमने पढ़ा और आज उसका क्वेश्चन सर देख रहे हैं तो पढ़े बच्चों देखें क्या आंसर दीज़ क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर दें एक नंबर में क्वेश्चन आपका है वाइट डेढ़ द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका लिखा है इसका अर्थ हम हिंदी में लिख दिए कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो देखिए आंसर हिंदी में क्या होगा कि पति पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज क्यों लगा दी यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में उसका हम हिंदी में अर्थ लिख दिए कि दोनों को पढ़िए और समझिए उसके बाद आंसर को आप लिखेंगे आइए आंसर को देखते हैं क्या आंसर होगा आपके पास द हस्बैंड एंड वाइफ रिएटेड विथ स्पाइल्ड मिल्क ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर सो दे सेट ए स्मॉल टेबल इन द कर्नर तो बच्चों ध्यान रहे कि आप इसका अर्थ तो नहीं जाने, तो इसका अर्थ भी नीचे लिख दिए घबराइएगा नहीं अच्छी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने का प्रयास करें पति पत्नी फर्श पर गिरा हुआ दूध और खाना खाने से चिड़ गए इसलिए उन्होंने कोने में एक छोटी सी मेज रख दी थी बच्चों दो नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं वाई वाज द ओल्ड मैन सर्व फूड इन वुडन बाउल तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों आप देख रहे हैं कि बूढ़े आदमी को लकड़ी के कटोरे में खाना क्यों परोसा गया यहाँ पर जो लिखा हुआ है वाई द ओल्ड मैन सर्व फूड इन ए वुडन बाउल तो इसका हम अर्थ नीचे लिखते हैं कि आप इंग्लिश को पढ़ें और हिंदी को पढ़ें और दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका आंसर क्या होना चाहिए आइए आंसर को देखते हैं द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन डि शो द ओल्ड मैन वाज सर्व फूड इन ए वुडन बाउल इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों आप तो नहीं समझे तो अर्थ नीचे में लिखे हैं घबराइएगा नहीं देखिए ना बूढ़े आदमी ने बर्तन तोड़े थे जिसमें खाना खा रहे थे ना वह टूट गया था गिर गया था तो वो टूट गया था तो इसलिए बूढ़े आदमी को लकड़ी के कटोरे में खाना को परोसा गया कि जाओ जब तुम बर्तन को तोड़ देते हो गिरा देते हो चलो तुमको लकड़ी के कटोरे में ही खाना दे देते हैं जाओ ये गुस्सा करके उसकी पति पत्नी जो थे उसके बहू और बेटे जो थे उसने लकड़ी के कटोरे में खाना खाने को दिया ये बहुत गलत बात है बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिखाई दे रहा है वाई वाइज द चाइल्ड मेकिंग ए वुडन बाउल तो वाई वाइज द चाइल्ड मेकिंग ए वुडन बाउल इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा लकड़ी का कटोरा क्यों बना रहा था तो आंसर क्या होगा बच्चों आप देख रहे हैं बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व फूड टू हीज पेरेंट वेन ही विल बी यंग वो कहे कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो फिर उसको उसी तरह खाना हम खिलाएंगे उसी लकड़ी के कटोरे में जैसे हमारे ये दादा दादी को ये खिला रहे हैं आइए बच्चों क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है वाट डेड द पेरेंट्स डेली अब वो कहते हैं कैसे उसको क्या महसूस हुआ कैसे पता चला माता पिता को क्या पता चला क्या महसूस हुआ कि वाट डिड द पेरेंट्स रियलाइज उसको क्या पता चला आखिर बच्चा जो लकड़ी का कटोरा बना रहा था तो क्यों बना रहा था तो देखिए उसका आंसर क्या होगा बच्चों दे रिलाइज दैट देयर चाइल्ड वाज इमिटेटिंग देयर बिहेवियर सो द पेरेंट रियलाइज देयर मिस्टेक बच्चों इसका आंसर क्या होगा आप देखें अच्छी तरह से कि उन्होंने महसूस किया कि उनका बच्चा उनके व्यवहार की नकल कर रहा है इसलिए माता पिता को अपनी गलतियों का एहसास खुद उसे अपने आप से उसे हो गया इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इंग्लिश का क्वेश्चन सर कैसे किए द वुड एंड बाउल कहानी से तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अच्छी तरह से बच्चों पढ़ें समझें और अपना राइट डाउन नोटबुक बना लें जो कि परीक्षा अगर आप लिखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर यदि लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे परीक्षा में बच्चों ये हिंदी नहीं लिखेगा आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखना है लेकिन आपको समझने के लिए आपको हिंदी में लिख दिए हैं याद रखिएगा कि क्वेश्चन का सवाल का जवाब इंग्लिश में आवे तो इंग्लिश से इंग्लिश में ही सवाल का जवाब कीजिएगा ये हिंदी नहीं लिखेगा ये आपको समझाने के लिए समझने के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन आपके साथ मिला के दिए हैं आप उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि हिंदी को आप समझिएगा और इंग्लिश को क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर उसका इंग्लिश में ही लिखेंगे बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या आ चुका है कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर जो कोई पांच सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये सेंटेंस गलत है कि सही है इसको पढ़िए उसके बाद राइट right, अगर सही है तो ट्रू लिखिए अगर गलत है तो फॉल्स लिखेंगे तो इसका देखते हैं क्या लिखा लिखेगा द ओल्ड मैन वाज लिविंग विद हिज वाइफ तो इसका आंसर क्या होगा ये पहले इसका अर्थ को समझिए इसका अर्थ क्या होगा बूढ़ा अपने पत्नी के साथ रह रहा था तो वो नहीं ना रह रहा था इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत होगा यहाँ हम फॉल्स लिखेंगे दो नंबर को देख रहे हैं बच्चों द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर तो पति पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज लगा दी थी हाँ वो बूढ़े को खाने के लिए एक छोटी सी मेज को कहाँ रखे थे कोने में लगा दिए थे इसलिए ये आपका सेंटेंस सही होगा तीन नंबर का क्वेश्चन को देख रहे हैं द ओल्ड मैं फूड वाज सर्वड इन गोल्डन बाउल क्या बूढ़े को सोने के कटोरे में खाने के लिए दिया गया था नहीं ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे और चौथा नंबर देख रहे हैं द चाइल्ड वॉज मेकिंग ए बाउल फॉर हिज पेरेंट्स तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों ये तो समझे नहीं ना तो बच्चा अपने माता पिता के लिए कटोरा बना रहा था हाँ ये कह रहा था कि अगर हमारे दादा दादी को आप कष्ट दे रहे हैं तो ये हम कटोरा बना रहे हैं जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इसी कटोरे में आपको खाना खिलाएंगे यही इसमें कह रहा था तो ये आपका चार नंबर का क्वेश्चन जो है ये सही है इसमें ट्रू लिखेंगे पांच नंबर में लिखा है वीरे वाट वी सो तो क्या हो गया हम जो बोते हैं वही काटते हैं यस हम जैसा कर्म करेंगे हमको फल भी वैसा होगा बच्चों इसलिए ये सेंटेंस आपका सही होगा बच्चों आप लोग माता पिता की सेवा करें माता पिता की कहना मानें माता पिता के दिल को कभी नहीं दुखाइएगा वो माता पिता हमारे देवी देवता के समान हैं अगर हम माता पिता की प्रत्येक दिन चरण स्पर्श करते हैं प्रणाम करेंगे तो हमें क्या वजती है आयु विद्या धन एवं यश की प्राप्ति होती है बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि माता पिता की कहना मानें उसके चरण को स्पर्श करें और माता पिता को कभी भी दिल से नहीं दुखाएं माता पिता जो भी बात को कहे उसका बात को अमल करेंगे उम्मीद है बच्चों अब हमारी बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते थे कि हम जो जैसा कर्म करेंगे हमको फल ही वैसा होगा आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस वन इज डन फॉर यू कहा था आपके पास रीअरेंज करना है इस वर्ड को और आपके पास हम एक नंबर का हम बना दिए हैं आप दूसरा तीसरा चौथा नंबर जो भी है पचवा तो उसको आप बनाइए तो या देखते हैं वीक द वाज ओल्ड मैन ये गलत है उलट पुलट हो गया तो इसको सही रे अरेंज करना है तो दो ओल्ड मैन वाज वीक ये हो गया बच्चों उसके बाद देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है आपके पास दो नंबर क्वेश्चन आ चुका है दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर तो क्या बनाएंगे इसको देखिए कि आई मेकिंग ए लिटिल एम बाउल तो इसका क्या मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाएंगे तो आई एम Making a little bowl. तीन नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है तीन नंबर देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या दिखाई दे रहा है तो ए विलेज इन एन ओल्ड मैन लिव्ड तो इसको क्या बनाएंगे एंड ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज चार नंबर में आप देख रहे हैं स्माइल द चाइल्ड एंड वेंट वर्क टू बैक तो इसका बच्चों क्या बनाएंगे द चाइल्ड स्माइल्ड एंड ट बैक टू वर्क बच्चों पांच नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा सेंटेंस हो गया तो इसको सही कीजिए ना तो सही कैसे करेंगे द पेरेंट्स बिकेम स्पेशलिस्ट इस तरह से बच्चों अपने देखा द वुडन बाउल का आंसर क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया बच्चों देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है इसे थिंक एंड राइट इसको पढ़ें लिखें समझें सोचें और इन्जॉय करें यहाँ पर क्या लिखा है लिसन एंड राइट पढ़िए और इसको लिखिए क्या लिखेंगे आइए इसको देखते हैं यहाँ लिखा है कि नाउ राइट देन इन सेपरेट कॉलम वन इज डन फॉर यू यहाँ पर लिखा एस साउंड वाला जो शुरू में होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद एस एच वाला साउंड जो है उसको इसमें से लिखेंगे तो यहाँ पर देखें कि एस ओ एन एस एच डबल ओ के तो इस तरह जो वर्ड दिया हुआ है इस तरह वर्ड को आप इसमें रीअरेंज करेंगे आइए आपके सामने दिखाई दे रहा है किस तरह से इसको रीअरेंज किया गया है उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसी तरह से आप लिखेंगे और राइट डाउन करेंगे आइए बच्चों उसके बाद देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई रहा कि राइट द राइट द ऑपोजिट वर्ड यानी मैन का उल्टा लिखना है वो मैन होगा सन का क्या होगा डॉटर होगा हर्ष का क्या होगा स्वीट होगा और हस्बैंड का क्या होगा वाइफ होगा ग्रैंड सन का क्या होगा बच्चों ग्रैंड डॉटर होगा और एफ नंबर में लिखा है ग्रैंड फादर का लिखेंगे ग्रैंड मदर होगा इस तरह से बच्चों ओपोजिट वर्ड को आपको लिखना चाहिए उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एक बार पुनः देख लीजिए मैन का वुमेन लिखेंगे सन का डॉटर लिखेंगे हर्ष का स्वीट लिखेंगे हसबेंड का वाइफ लिखेंगे ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर लिखेंगे और ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर लिखेंगे बच्चों द वुडन बाउल लकड़ी के कटोरे कहानी का फुल्ली कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन आंसर आपका ग्रामर के साथ हो गया है उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को बिना किस चार्ज के मुफ्त में आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में